हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आज मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक घर पे बैठा हुआ था मैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपको अपडेट दे दूँ। तो एक्चुअली मैंने लाइव आने की कोशिश की थी, बट कुछ वजह से लाइव मेरा हो नहीं पा रहा था, मतलब लाइव बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा आपको एक अपडेट दे दूँ जल्दी से जल्दी कि क्या अपडेट आया। तो वीडियो में बने रहना, बड़ा ज़्यादा ज़रूरी अपडेट आया मेन टेक वालों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट आया क्या? एक्चुअली जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राइट, कि अभी ट्रूडो गवर्नमेंट ने अपने जो क्या बोलते हैं, बॉर्डर की एंट्री है वो क्लोज करके रखी है। मतलब कोई भी अभी बॉर्डर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था एक्सेप्ट सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स। तो अब 20 मार्च को एक उन्होंने ऑर्डर दोबारा लॉन्च किया है जिसमें कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं, मतलब बाकी ज़्यादा और चीज़ें भी बताई हैं, बट मैं जो मेन फोकस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे व्यूअर्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ही हैं, या जो कनाडा आ रहे हैं या कनाडा जो आ चुके हैं और या जो कनाडा आने का सोच रहे हैं, राइट। तो मैं अपना आपको पूरा बताता हूँ कि उसमें उस जो उन्होंने नया अपडेट दिया उसमें एक्चुअली है क्या। तो नए अपडेट के मुताबिक जिस भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा 18 मार्च से पहले, मैं आपको अपडेट जो अपडेट आया पूरा सीएसी की वेबसाइट का वो अपने स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा पूरा। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका वीज़ा 18 मार्च से पहले तक था, मतलब पहले तक था नहीं, मतलब पहले आ चुका था। जैसे अगर मेरा वीज़ा, मैंने मेन टेक के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा वीज़ा आ गया फेब्रवरी 20 को, तो 18 मार्च से पहले फेब्रवरी 20 को मेरा वीज़ा आ चुका है और अभी जो गाइडलाइंस पिछली थी उसके हिसाब से मैं एंट्री नहीं कर सकता था। पर जो नई गाइडलाइंस आई हैं 20 मार्च को, जो गाइडलाइंस इन्होंने नई बताई हैं उसके हिसाब से मैं अब कनाडा में एंट्री कर सकता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है अगर मेरा वीज़ा 18 मार्च से पहले आया हुआ है, मतलब पहले स्टैम्प होके मेरे पास पासपोर्ट आ चुका है और उस पर मेरी स्टार्ट डेट जो, मतलब वीज़ा की जो जो स्टार्ट डेट है वो 18 मार्च या कुछ, मतलब उससे पहले वो हो चुका है मतलब स्टैम्प, तो आप कनाडा आ सकते हो। और अगर आपका वीज़ा अभी भी फाइल आपकी लगी हुई है या आपका वीज़ा अभी तक नहीं आया है, आपका मेन टेक है, तो अभी उसके लिए उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं बताई हैं, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। पर जिसका वीज़ा 18 मार्च से पहले स्टैम्प होके उनके पास, आपके पास पहुंच चुका है, वो आप मज़े से आ सकते हो। बट आ तभी सकते हो जब इंडिया की फ्लाइट चलना शुरू होंगी। तो जितना मुझे पता है कि इंडिया ने फ्लाइट्स बंद करके रखी हैं, मतलब जितना मुझे 31 तक करके रखी हैं, आई गेस के पता नहीं कौन सी अप्रैल तक करके रखी हैं। तो कनाडा ने अपना जो मेन जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी है, अब जब भी इंडिया से फ्लाइट चलना शुरू होंगी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो सबसे पहली बात है सीआईसी की, जो कनाडा की सीआईसी की वेबसाइट है उस पे ज़रूर अपना रोज़ आप विजिट करा करो, उस पे हर चीज़ अपडेट रहती है। और मतलब ये जैसे 20 को, अभी थोड़े दिन पहले 16 को शायद पुराना वाला लॉन्च हुआ था, 20 को नया हो गया, तो ऐसे ही अगर 2-3 दिन में एक और आ जाएगा तो क्या पता जो इनका वीज़ा भी आने वाला है या जिनका वीज़ा भी रुका हुआ है या जिनका वीज़ा भी स्टैम्प होने के लिए गया हुआ है, तो उनके लिए भी कोई ना नई ना या मतलब नई गाइडलाइन आ जाएगी। तो उनके लिए भी वेबसाइट पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या मैं जैसे कुछ नया आता तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसके बारे में। तो ये था पूरा नया अपडेट। तो और एक चीज़ और, जैसे ही अगर आपको गवर्नमेंट अलो कर रही है ना कि यहाँ पे आ जाओ, तो उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि सेल्फ आइसोलेट कर लिया जाए 14 डेज के लिए, क्योंकि आपको पता है यार मेन जो सिस्टम अभी चल रहा है, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वीडियोज़ में नाम लेने से पता नहीं वीडियोज़ मोनिटाइज नहीं हो रही है, कुछ ऐसा सीन है। तो जो जैसे कि आपको पता ही है कि एक डिजीज़ आ गया हुआ, तो उसकी वजह से मेन जब उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो अब रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए उन्होंने बोला कि अपने आप को 14 डेज के लिए सेल्फ आइसोलेट कर दो, क्योंकि अगर आपको 14 डेज में सिम्टम्स कुछ शो होते हैं, क्योंकि मेन सिम्टम्स जो हैं वो ट्रैवल से ही शो हो रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज़ नई गाइडलाइन दी है। और अगर कोई भी अभी भी नई गाइडलाइन आती है या कोई भी वो नया रूल निकालते हैं तो मैं आपको उसी टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने रात को ही वीडियो बना देनी थी पर मैं काम पे गया हुआ था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये थी आज की वीडियो। तो ये था, मैंने कहा आपको एक शेयर कर दूं सारा हिसाब कि क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा मतलब अभी क्या रूल्स वो निकाल रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग यार मेन टेक का तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, कुछ प्रेडिक्शंस नहीं है। मैंने इवन स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से बात की थी, वो कह रहे हैं कि हमें भी कुछ नहीं पता, मंडे तक में भी कुछ पता लगे तो मंडे तक का वेट करते हैं, जैसे मुझे कोई गाइडलाइन मिलती है मैं सीधे अपडेट कर दूंगा।
और एक चीज और, सबसे पहले मेन इनटेक शुरू होनी थी फर्स्ट मंडे जो होता था मई का, पर अब हम मेरे को मेल आ गया सैनिका वालों की तरफ से 19 मई को शुरू हो रही है, तो मतलब उन्होंने वो भी डिले कर दिया। और अभी हमारे स्कूल्स पहले शुरू होने थे 3 अप्रैल को, और वो चीज़ भी उन्होंने डिले कर दी कि अब वो चीज़ कॉलेज जाना ही नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया है अनटिल फर्दर नोटिस। तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज, मतलब अब खाली लैपटॉप जिसने लोन पे वगैरह लेने हैं, मतलब कुछ भी, हमारा सैनिका की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए खुले हैं। कोई लाइब्रेरी, कोई कंप्यूटिंग कॉमन्स, कोई मतलब कोई कॉमन एरिया कुछ खुला नहीं है, सब बंद कर दिया गया है। तो मतलब ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो इसीलिए बस अभी कुछ अपडेट नहीं है कि क्या होगा आगे मेन टेक में या क्या नहीं, क्या ऑनलाइन होंगी क्लासेस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यार ऑनलाइन होंगी क्लासेस, तो अब मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है, मे बी ये चीज़ हो सकती है कि वो बोलें कि जब तक शांत नहीं होती चीज़ें तब तक आप क्लासेस ऑनलाइन लगा लो, या फिर एक चीज़ बोल रहे हैं कि वो डेफर कर देंगे। अगर अगर तो वो मे इनटेक ज़्यादा इस चीज़ में निकल गया ना, मतलब मे भी अगर पूरा निकल गया, जून भी आ गया और हालात नहीं सुधरे, तो मे बी वो डेफर कर दें। मतलब कुछ कह नहीं सकते कि वो मे इनटेक को सितंबर इनटेक में डेफर कर दें, जो आपने फीस भरी है वो वहीं रहेगी, सब कुछ वहीं रहेगा, बस आपका इनटेक जो है वो मे से सितंबर हो जाएगा। ऐसा भी कोई पक्की बात नहीं है, मैं जस्ट आपको चांसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो होप आपको समझ लग गई होगी यार। आपको साथ में मैं साइट का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर पूरा आर्टिकल पढ़ो जिसको पूरा सुनना है, मतलब पूरा पढ़ना है। वैसे तो मैंने मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको पता ही है मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने उसी के लिए वो कवर किया, बाकी उसमें और भी कुछ गाइडलाइंस थी, अगर किसी को पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। तो यही था आज की वीडियो के लिए, साथ में बने रहिएगा, और अगली वीडियो मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आऊँगा। अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी नई वीडियो आ जाए और आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे अब लाइव आने का सोच रहा हूँ हर दिन रात को 9:30-10 बजे के करीब, तो रोज़ 1 घंटा आधा घंटा लाइव आया करूँगा, तो वहाँ भी जो क्वेश्चंस आपने पूछने होंगे लाइव Q&A हो जाया करेगा रोज़ या ऑल्टरनेट डेज पे। तो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। एक लास्ट चीज़, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स, तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले लाइक कर देना और फिर वीडियो ख़त्म करना। बाय बाय गाइस।